नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेजेएन न्यूज में, और मैं हूँ आपके साथ शिल्पा नेगी। आज हम मौजूद है काठगोदाम से 3 किलोमीटर ऊपर हेड़ाखंड की साइड, जहाँ जो है सड़कों की हालत आप देख सकते हैं, सड़कों के किनारे पे जो है पैराफिट नहीं लगे हुए हैं। क्या हालत है, क्या स्थिति है, वो आप वीडियोस में देख सकते हैं। हालांकि पैराफिट का जो इस्तेमाल होता है, वो पैराफिट सड़कों के किनारे इसलिए लगाए जाते हैं ताकि जो सड़क दुर्घटनाएं होती है, जो गाड़ियां खाई में गिर जाती है, वो उनसे बचाया जा सके, वो हादसे होने से टाला जा सके। लेकिन जिस हालात में ये सड़क है, जिस हालात में यहाँ पे पैराफिट नहीं है, उससे बिल्कुल ही अंदाज़ा लगा सकता है कि कितने हादसों की संभावना यहाँ पे है और कितनी गहरी खाई है। ये आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं कि खाई क्या है और क्या इस सड़क की हालत अभी बनी हुई है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा? क्या उन्हें जो लोग हैं अपनी जान में अपनी जान को खतरे में डालकर यहाँ आवाजाही कर रहे हैं, जो भारी वाहन हैं, जो लोग हैं डेली आसपास के गांव यहाँ पे मौजूद है, आसपास लोग यहाँ पे अपने वाहनों को लेकर आवाजाही कर रहे हैं, अपने जान को जोखिम में डालकर इस सड़क से गुजर रहे हैं। लेकिन सड़कों के किनारे जो एक सेफ्टी पर्पस के लिए पैराफिट लगाए जाते हैं, वो पूरी सड़क में हमें कहीं भी देखने को नहीं मिले हैं। अब ऐसे में प्रशासन इतने हुए हादसों में, राज्य में पिछले कई समय से कई हादसे हुए हैं, कई सड़क हादसे हैं जिनमें कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन हादसों के बाद भी क्या प्रशासन नहीं जाग रहा? क्या प्रशासन की ये लापरवाही किसी की जान के लिए खतरा नहीं बन सकता? आखिर कब इस तरफ प्रशासन जो है ध्यान देगा? आप देख सकते हैं कि जो मिट्टी है पूरी वो नीचे जा रही है और पहाड़ों से भी लगातार जो है मिट्टी गिरी है। अभी हमने यहाँ पे जो PWD के कर्मचारी थे, हमने उनसे भी बात की, उन्होंने हमें बताया कि ये जो सड़क की हालत है पिछले एक महीने से ऐसी है। जो पिछले महीने जो बारिश हुई थी उस कारण जो है लगातार पहाड़ों से भूस्खलन हो रहा है, सड़कों पे दरारें आ गई हैं और जो सड़कों पे पैराफिट बने हुए थे वो भी नहीं रहे। तो अब कब इन सड़कों का जो है निर्माण किया जाएगा, कब इन सड़कों की हालत सुधारी जाएगी, कब सड़कों के किनारे जो एक सेफ्टी के लिए पैराफिट लगाए जाते हैं वो आखिर कब लगाया जाएगा? तो देख सकते हैं कहीं कहीं किसी किसी जगह पर यहाँ पे जो है सड़कों के किनारे पैराफिट लगे हुए हैं, लेकिन कहीं कहीं पैराफिट नहीं लगे, तो मिट्टी जो है वो सड़कों के किनारे इकट्ठी हो रखी है। अगर कभी कोई दुर्घटना होती है, कोई वाहन अगर यहाँ से गिरता है, वो सीधा नीचे गहरी खाई में जाके गिरेगा और इस हादसे में काफ़ी जानमान का नुकसान भी हो सकता है। ऐसे में सवाल ये है कि प्रशासन क्यों लोगों की सुरक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है? सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि जब ऐसी सड़क की हालत है, सड़क के किनारे पैराफिट नहीं है, तो कैसे कोई हादसा होने से टाला जा सकता है? यहाँ जो सरकार के जो दावे हैं, जो प्रशासन अपने दावे करती है, वो सारे झूठे साबित हो रहे हैं, क्योंकि सड़कों के किनारे जो आम जनता के लिए, जब उनकी सुरक्षा के लिए पैराफिट ही नहीं है, तो आगे क्या ही इसमें कहा जाए। आप खुद तस्वीरों में जो है हालात देख सकते हैं। हाँ, अगर सड़कों के किनारे पैराफिट हो तो एक पल के लिए हम ये समझ सकते हैं कि जो सड़क हादसे हैं वो होने से टाले जा सकते हैं। तो ये थी ग्राउंड जीरो से हमारी रिपोर्ट। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी इस रिपोर्ट से प्रशासन जागेगा और इस ओर ध्यान देगा और जल्द ही इन सड़कों पे जो है पैराफिट बनाने का काम शुरू किया जाएगा। तो फिलहाल की इस खास रिपोर्ट में इतना ही। मैं अपनी सहयोगी निशा उप्रेती के साथ जेजेएन न्यूज़ हल्द्वानी, नमस्कार।